नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। 13वें रोज की आज सुनवाई हुई। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर में हम किसी भी समय चुनाव कराने को लेकर तैयार हैं, लेकिन इसका फैसला निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव इकाई पर निर्भर करता है। केंद्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची को यानी वोटर लिस्ट को पूरी करने की प्रक्रिया जारी है। इसे पूरा होने में 1 महीने का समय लगेगा, वक्त लगेगा। उन्होंने कहा, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में कुछ समय लगेगा, जिसके बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है और अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक पार्टियां माना जा सकता है कि अपनी अपनी कोशिशें शुरू कर देंगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात कई खास मेहमानों के साथ। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत की आज जो कोर्ट की तरफ से केंद्र की तरफ से कोर्ट में माफ कीजिएगा कहा गया है कि चुनाव कराने को लेकर तैयार है, लेकिन जो इसको इसकी जो प्रक्रिया है उसे पूरा करने में 1 महीने का समय लगेगा। इस पर कई प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहले लगातार केंद्र सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप विपक्षी दल लगाते रहे कि केंद्र सरकार की तरफ से विधानसभा चुनाव कराने में देरी की जा रही है क्योंकि उन्हें हार का डर है। आज जब कोर्ट में इस तरह का बयान केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है तो इस पर क्या सोचती है विपक्षी पार्टियां? कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका हम आप से तारुफ करा देते हैं। सैयद बशारत बुखारी साहब, आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। फॉर्मर मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, आपका वेलकम करते हैं। इसके अलावा अजय भारती साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, अक्सर हमारे डिबेट का हिस्सा होते हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और इसके अलावा इमरान नबी डार साहब है, स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारे बीच मौजूद हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ना सिर्फ अपने वरिष्ठ अधिवक्ता वकील को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर आर्टिकल 370 पर दलील देने के लिए पेश किया है, बल्कि खुद अगर बात फारूक अब्दुल्ला की जाए तो वो खुद मौजूद रहे हैं हियरिंग के दौरान। इसके अलावा एक और खास मेहमान कांग्रेस की तरफ से आपसे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करते हुए देखे जाएंगे, गुलाम नबी मोंगा साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उनका हमें इंतजार है। सबसे पहले सैयद बशारत बुखारी साहब, आप तक आवाज शायद में नहीं पहुंच पा रही थी, वेलकम न्यूज 18 जेकेएलएच को वक्त देने के लिए शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं कि संसद में बयान गृह मंत्री का, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप की तरफ से बयान आर्टिकल 370 को लेकर, और फिर उसके बाद चुनाव को लेकर, और अब कोर्ट में बयान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कि हम चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। क्या आप इसमें डिफरेंस कुछ देख पाते हैं, या फिर अब आपको लगता है कि सॉलिसिटर जनरल का जो बयान कोर्ट में सामने आया है, जो उन्होंने दलील सुनने के बाद दिया है जानकारी कि हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं, बस कुछ वक्त लगेगा, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी, क्या कुछ राय, रद्दअमल क्या? आपका शुक्रिया सना जी सबसे पहले, और दूसरी बात यह है कि जो सरकार पिछले 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, या हाल ही में जो सरकार बयान देती आ रही है, मुझे लगता है कि उस बयान और जो सॉलिसिटर जनरल साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने बयान दिया, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। वो इसलिए कि उन्होंने ये बता दिया हम तैयार हैं, लेकिन इसका फैसला लेना है चुनाव कमीशन को। ये हमने पहले भी सुना, हमने कई बार इस पे रिएक्शन भी दे दिया। अब हमारी समझ से एक चीज बाहर है, हम परसों उम्मीद जगी थी हमें जब परसों ये बात चली थी और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने शायद इनको कहा था कि आप हमें टाइम फ्रेम बता दिए, या बाकी जिस तरह से बताया, जो एक्सप्रेशन गलत नहीं होना चाहिए, कि आप हमें डिटेल बता दीजिए कि आप कब स्टेट वापस दे रहे हैं, इलेक्शन वगैरह कब करवा रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन चुनाव कमीशन, मुझे बताइए चुनाव कमीशन को किसके पास जवाबदेही किसके पास है उनकी? चुनाव कमीशन को तो फैसला लेना चाहिए था लास्ट ईयर, चलो इनके लिए जब हमारा वोटर लिस्ट जब हो गए थे इस डिजिटेशन कमीशन के बाद, उनको फैसला लेना चाहिए था, उन्होंने फैसला नहीं लिया। और ऑनरेबल सीएम होम मिनिस्टर साहब ने पिछले साल कि शायद इसी साल, मुझे याद नहीं, जनवरी में उन्होंने ये तकरीर में कहा कि जब भी हमें चुनाव कमीशन
इलेक्शन के एतबार से रिपोर्ट मांगेगा, हम तैयार हैं देने के लिए। किसी ने आज तक चुनाव कमीशन से यह नहीं पूछा कि क्या भाई साहब आपने रिपोर्ट सरकार से मांगा, अगर मांगा तो जवाब क्या मिला, अगर नहीं मांगा तो क्यों नहीं मांगा। सबसे बड़ी बात यह कि मेरे हिसाब से इस स्टेटमेंट और जो सरकार स्टेटमेंट देती आ रही है ज्यादा खास फर्क नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो स्टेट के बारे में उन्होंने कही, हमें उम्मीद जगी थी कि शायद ये कोई ऐलान करेंगे हम कब देंगे, उसमें भी कोई वाजिया डिटेल या वाजिया कोई बयान या वाजिया फैसला नजर नहीं आया। उम्मीद जगी थी लेकिन मुझे लगता है कि कोई खास फर्क नहीं है उन स्टेटमेंट्स में और इस स्टेटमेंट में। पहले के स्टेटमेंट में और सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र सरकार के दिए गए जवाब में कोई फर्क नहीं पाते हैं आप, बशारत बुखारी साहब का ये कहना। इमरान नबी दास साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसा कि हमने कुछ देर पहले आपको बताया और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बजाते खुद फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहे, हियरिंग को वो सुनते रहे और इस प्रोसीडिंग पर उनकी नजर करीब से रही, हालांकि तमाम विपक्षी दलों की करीब से नजर रही। आपसे भी यही सवाल इमरान नबी दार साहब कि पिछले के स्टेटमेंट्स को और आज के स्टेटमेंट को अगर सॉलिसिटर जनरल का देखते हैं तो उसमें क्या फर्क बातें हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब इलेक्शन विधानसभा चुनाव की उम्मीद बहुत जल्द लगती है जम्मू कश्मीर में? देखिये, सबसे पहले हमको कुछ चीजों को थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पे चल रहा है वो दैट इज रिगार्डिंग द इलीगल एब्रोगेशन ऑफ जो अगस्त 5, 2019 के डिसीजंस लिए गए और हमने जो अर्जी दायर की है कि उनको खारिज किया जाए, उनको खत्म किया जाए, और हमने जो डिमांड की है कि वापस अगस्त 4, 2019 का स्टेटस को फिर से लागू किया जाए। इलेक्शन की जो बात की जा रही है ये मुझे नहीं लगता है कोई नई बात है, ये पिछले 4 साल से गवर्नमेंट का बिल्कुल यही स्टैंड रहा है जिसको आज रिपीट किया है तुषार मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बयान को लेकर क्यों उन्होंने ये बयान दिया, बिकॉज जो बेसिक कंटेंशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर, और जो हम समात लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट पे वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, जो फिर सुप्रीम कोर्ट जो बेंच ने भी बोला कि दे हैव टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। सो ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है इलेक्शंस को बीच में लाने की। हालांकि हमने हमेशा ये बात कही है कि इलेक्शन करवाना और करना बहुत जरूरी है, ड्यू है यहां पर जम्मू कश्मीर में पिछले 4.5 साल से असेंबली इलेक्शन, और ये असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है उसका जवाब दे भी सेंटर है। अगर यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, G20 हो रहा है, अभी यहाँ पर मिस वर्ल्ड का फंक्शन हुआ, तो इन सब चीजों के लिए अगर हालात ठीक है तो फिर इलेक्शन करने के टाइम पे इनके हालात ठीक क्यों नहीं होते? ये इनका जो स्टेटमेंट बार बार अबाउट नॉर्मलसी आ रहा है ये मेरे दिमाग से बाहर है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनका करना क्या है और ये कह क्या रहे और करना क्या चाहते हैं। बाकी जो बेसिक कंटेंशन है वो आर्टिकल 370 को लेकर जो समाज चल रही है वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन डिफरेंट इशू पर भी ये 370 पर भी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पूर्व राज्य का दर्जा, अगर स्टेटहुड वो बहाल करने को लेकर लगातार जो सवाल पूछे गए उस पर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ समय लगेगा, इसके लिए कोई वक्त नहीं बताया जा सकता। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आप लोग जाहिर कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी हो जाता है। जल्दी से मैं चाहूंगी कि आप इस पर भी अपना उत्तर दे दें, फिर उसके बाद गुलाम नबी मोगा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका वेलकम करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के, आपका वेलकम। इमरान नबी डार साहब, आप इस पर भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं कि आर्टिकल सॉरी स्टेटहुड पर जो बयान दिया है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से उस पर क्या कुछ राय? मैं फिर से वही बात कहूंगा कि हमने चैलेंज की है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को और उसमें ये सारी चीजें आती हैं, बिकॉज वो एक पेरेंट एक्ट है। और जो मैंने पहले भी बोला कि हम चाहते हैं कि वापस सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक ऑफ करे अगस्त 5, 2019 के डिसीजंस को जो हम मानते हैं इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हम बार बार ये जो है समात हमने जो सुप्रीम कोर्ट में डाली है कि अगस्त 4 2019 का स्टेटस को फिर से लागू किया जाए, उसमें ये सारी चीजें आती है जिसमें आपका स्टेटहुड भी आता है, जिसमें आर्टिकल 370 भी आता है, 35A भी आता है। तो वी आर बेसिकली चैलेंजिंग द डिसीजंस ऑफ अगस्त 5
2019 आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 370 के हवाले से हम जान रहे हैं कि इस पर अगर ऑपोजिशन पार्टियों की बात करें, तमाम एनसी सहित पीडीपी इसके अलावा जेकेपीसी, उन्होंने चैलेंज पिटिशनर के तौर पर इस फैसले को चैलेंज किया है और इस पर सुनवाई जारी है। और इस सुनवाई के दौरान इलेक्शन का भी मुद्दा उठा है और ये कोर्ट में इसी पर हम आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। गुलाम नबी मोगा साहब, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि एक तो आर्टिकल 370 का मुद्दा है, उस पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि इस स्टेटहुड की बहाली में समय लगेगा, और एक चीज और उन्होंने फिर से दोहराई है कि आर्टिकल जो अभी यूटी है वो स्थायी नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है, और इसकी बहाली में वक्त लगेगा। इसके अलावा उन्होंने सीधी तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, इसका फैसला निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया जाना है। सवाल ये उठता है, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि दो वक्ताओं ने बताया है, आपसे मैं जानना चाहती हूं कि पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से बयान दिए गए हैं इलेक्शन को लेकर, आज के बयान में आप क्या कुछ डिफरेंस देख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल ने जो कोर्ट में बात कही? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका भी खैर मकदम है। जो आपने ये बात कही कि सॉलिसिटर जनरल ने आज जो बयान दिया है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली जो पेटिशंस हैं वो एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35A पर है, एंड कांग्रेस पार्टी उसको राइट फ्रॉम द डे इट वाज एब्रोगेटेड कि इट वाज एब्रोगेटेड अनकॉन्स्टिट्यूशनली एंड इलीगल, गैर आईनी और गैर कानूनी तौर इसको कलदम किया गया था, एब्रोगेट किया गया। तो अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि भाई असेंबली वो तो ठीक है, वो हम लीगलिटी देखेंगे इसकी, लेकिन आप मुझे बताओ ये असेंबली कब, असेंबली इलेक्शन और स्टेटहुड कब कर रहे हो? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए जवाब क्या है, जिसके लिए इस वक्त तमाम अपोजिशन पार्टियां महाराष्ट्र में जमा हो गई हैं, 28 पार्टियां, इसी वजह से जो मुल्क को जो खतरा है, लाहक खतरा जो है, उसके मुतालिक यही बात है कि इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने, इस हुकूमत ने अंडरमाइन किया है और अपने हाथ में रखा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये कैसे हिम्मत होगी गवर्नमेंट की वो चीफ जस्टिस को इस तरह से बात करे, दे शुड हैव कम विद ए क्लियर स्टैंड कि हम इस पैरा में इस डेट तक हम इस इलेक्शन करेंगे, स्टेटहुड हम इस डेट तक देंगे, ये तो कोई मेहरबानी इनकी है नहीं, स्टेट को इन्होंने दो हिस्से कर दिए हैं जी, बल्कि तीन हिस्से हो गए हैं। अब जम्मू वाले भी परेशान है, जम्मू वाले भी देख रहे हैं ये हुआ क्या है, आप देखें वो रोज बरोज वहां एजिटेशन होती है। लिहाजा मैं इसको मुख्तसर करके ये कहूंगा कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस गवर्नमेंट ने नकारा है और कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया है। ठीक, इलेक्शन कमीशन कब कर सकता है, जब तक कि यूनियन होम मिनिस्ट्री उसको क्लियर जवाब नहीं देगी कि नहीं जी हालात ठीक है करें। ठीक, एक तरफ से ये कहते हैं यही 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 सवाल अब से कुछ देर पहले सैयद बशारत बुखारी साहब ने उठाया था कि क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा या फिर गृह मंत्रालय की तरफ से पूछा गया कि क्या इस दिया गया ये स्टेटस या क्लियरेंस, और ये बताया गया कि अभी हालात ठीक है और हम इलेक्शन करा सकते हैं, इस पर भी हम आएंगे। मैं चाहती हूँ कि अजय भारती साहब आप तमाम वक्ताओं का जवाब दें और जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 पर सुनवाई हो रही है, बड़े ही करीब से तमाम लोग इस सुनवाई को देख रहे हैं, जो जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उस पर करीब से नजर बनाए हुए हैं, आज के सॉलिसिटर जनरल के दिए गए बयान को विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है, बाहर जो बातें आप कहते थे वही आपने कोर्ट में कहा है, कोई नई बात इसमें है नहीं, अजय भारती साहब। साना जी, मैं पहले सबसे पहले देशवासियों को, आपके दर्शकों को आज रक्षाबंधन है उसकी बधाई देना चाहता हूं, अपने को पैनलिस्ट्स को नमस्कार कहता हूं, आदाब कहता हूं।
देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट का जो स्टैंड आया है वो इसलिए वही है क्योंकि वो सच बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते। क्योंकि 1950 से आपने कहा कि ये आर्टिकल 370 आरजी है, टेम्पररी है लेकिन उसको परमानेंट ट्रीट करेंगे। जब आप झूठ बोलते हैं तब आपको बार बार स्टैंड चेंज करना पड़ता है, तब आपको क्लियरिफिकेशन देनी पड़ती है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से एसजी के माध्यम से, सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से, कि क्या आपके पास टाइम फ्रेम है स्टेट का या क्या आप इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे, तो सरकार की तरफ से जो मौकफ आया वो यही क्लियर था कि देखिए इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो अपने डिसीजन खुद लेता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंस्टीट्यूशन उसको स्ट्रेंथन करती है, उनको इंडिपेंडेंस उनकी उसमें इंटरफेरेंस नहीं करती है। वो जब पूछे कि सरकार का ये हक नहीं बनता है कि उनसे पूछे कि भाई आप तैयारी कर लो, हम तैयार हैं, ऐसा क्यों कैसे? जब इलेक्शन कमीशन पूछेगा तो सरकार उनको बताएगी कि हमारी तैयारी है कि नहीं है। दूसरी बात स्टेटहुड के बारे में, उन्होंने क्लियर कहा कि ये जो यूनियन टेरिटरी स्टेटस है ये टेम्पररी है। ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट को मेहता साहब ने कोट किया वहां और उनको कहा कि भाई ये पार्लियामेंट में पहले दिन से ही हम कह रहे हैं कि ये टेम्पररी है, इसलिए इसको तो ये करना। लेकिन एग्जैक्ट डेट हम किस कह नहीं सकते क्योंकि उसका जो फॉलो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में केस को, वो देख रहे हैं कि इसमें जितने इश्यूज इन्वॉल्व हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात आई कि यहां पर जो डिफिकल्टीज थे, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली इट इज अ स्टेट माइनस, अगर हम पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को देखें माइनस दैट, इसमें कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो स्टेट खुद के से कम है, तो इसलिए वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। और जब आप देखेंगे जो सरकार की तरफ से आंकड़े भी आए, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट कितने कम हुए, तो कुछ 67% है, 100% उन्होंने कोई चीज कही क्या? तो वो जो फैक्ट है, मेरा ये कहना है कि सरकार ने फैक्चुअल पोजिशन रखी है और जब वो सिचुएशन आएगी वो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही रेस्टोर हो जाएगा और इसके स्टेटहुड वापस आ जाएगी। तब तक भी जबकि जो पेटिशनर्स थे उनकी तरफ से अगर आपने देखा होगा कुछ चीजें कही कि जो गलत थी, जैसे कही गई थी यहां इसके यूनियन टेरिटरी में हमारे पास इलेक्टेड एमएलएज नहीं होंगे, जबकि ये पुडुचेरी मॉडल है जिसमें इलेक्टेड एमएलएज रहेंगे विद लेजिस्लेचर है और उनके पास वोटिंग राइट्स है। जो पेटिशनर्स ने गलत बयानी की थी कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारे वोटिंग राइट्स नहीं है। फिर तुषार मेहता साहब ने एक और बात की कि यहां पर तीन इलेक्शंस एकदम लाइन में है। हाँ। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेरोगेटिव है कि वो कौन सा करे। हम चाहेंगे कि पंचायत इलेक्शन पहले हो, फिर यूएलबी के भी हैं और असेंबली के भी है। सरकार कोशिश करती है, सरकार की तरफ से ये है कि जब इलेक्शन कमीशन कहेगा तो अपनी तरफ से जो आपने जवाब दे दिया। अजय भारती साहब ने ये कहा बशारत बुखारी साहब कि फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पार्टी सत्य बोलती है, सच बोलती है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इलेक्शन कमीशन खुद आके बताएगा तभी हम जाकर बताएंगे, हम नहीं कह सकते कि आप इलेक्शन कराओ जम्मू कश्मीर में। आप तमाम लोगों की बातों का जवाब उन्होंने ये दिया, इस पर आप क्या कहें? अजय भारती जी ने सही कहा कि उन्होंने सच बोला, सच मीन्स कि उनका अभी लगता है कि न इलेक्शन करने का इरादा है और न ही फिर स्टेट वापस देने का इरादा है। सच्ची तो बोला, गलत नहीं बोला, क्योंकि ये पिछले 5 साल से कहते आ रहे हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जैसे ये लोग कहते हैं कि आर्टिकल 370 टेम्पररी था और इसको खत्म करने में 70 या 72 या 75 साल लगे, ठीक है। अगर स्टेट, अगर ये यूटीबी टेम्पररी है तो इसमें कितनी दहाइयां लगेंगी, इसका कोई गारंटी है क्या? कब तक, What is this कि ये बहुत जल्द हो जाएगा, कब? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल था तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत जल्द, जैसे कि आज सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि समय लगेगा, कुछ समय लगने की बात उन्होंने कही है, तो क्या आप इस पर यकीन रखते हैं, कुछ राय रखते हैं? देखिए ये जो कुछ समय इज रिलेटिव टर्म, ये कदर मुश्तरक है। आपके लिए कुछ समय एक महीना हो सकता है, इनके लिए कुछ समय 10 साल हो सकते हैं, वो कुछ समय कौन डिटरमिन करेगा? और दूसरी बात ये कि अगर कल को मध्य प्रदेश या हरियाणा में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस इजरा नहीं करेगा इलेक्शन की, तो क्या ये खामोश रहेंगे उस वक्त?
ये कहेंगे जी उनकी जिम्मेदारी है, जब उनका मन करे, जब वो चाहे, कोई जवाबदेही तो होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, तो जवाबदेही किसकी तरफ से शुरू होनी चाहिए, आपको क्या लगता है, अगर आप मशवरा देना चाहें तो? नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि डज दैट मीन कि हमारी सरकार जो मरकज में है वो कभी इलेक्शन कमीशन के साथ बात नहीं करती? क्या बात कर रहे हैं ये, हमने भी सरकारें चलाई, हमें पता है सरकार कैसे चलती है। तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता उनसे पूछना, पब्लिकली पूछना कि भाई कब तक इलेक्शन करेंगे? आज बात साहब इस पर आपका जवाब, इनको सब कुछ नहीं, मैंने देखिए दो चीजें कही जो बुखारी साहब का कहना है उसमें दो चीजें, एक इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है और हमारे रिजीम में हमारी जो भाई साहब हमें मालूम है, हमें मालूम है बॉडी में इंटरफेरेंस नहीं होती है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश या बाकी स्टेट्स और जम्मू कश्मीर में ये जो 370 पर जो बहस चल रही है उसमें भी ये बात बार बार कही गई, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोगों ने कही कि ये बॉर्डर स्टेट है जहां हमारा पड़ोसी मुल्क बार बार इंटरफेरेंस कर रहा है, यहां पर पिछले तीन दहाइयों से हमने डेथ एंड डिस्ट्रक्शन देखी है, इसलिए यहां की सिचुएशन में और उन स्टेट्स में डिफरेंस है, वो उसको मद्देनजर रखते हुए जिस भी तरह से होगा तो उसमें मुझे लगता नहीं कि ये हेजिटेशन होगी कभी। ठीक है, इमरान नबी डार साहब आज पूरे मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, मुफ्ती साहब ने टाइम के बारे में कहा था कि हम सात दहाइयां नहीं लगाएंगे। ठीक है, इमरान नबी डार साहब क्या लगता है कि अगर मान लीजिए कि आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर हरी झंडी दिखाई देती है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आने वाले कई महीनों के बाद हो सकता है कि चुनाव हो जाए, तो चुनाव पर क्योंकि आप तमाम लोगों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनाव होना चाहिए, अगर चुनाव की तरफ ये प्रोसेस बढ़ रहा है और अगर पूर्ण राज्य के दर्जे को दिए जाने को लेकर जो बात आज कही गई है, कुछ समय लगने की बात कही गई है, तो आपको क्या लगता है कुछ समय, चंद साल हो सकते हैं, कुछ महीने हो सकते हैं, और उससे पहले अगर चुनाव हो जाता है तो उस पर एनसी रजामंद है? कुछ समय तो अभी तो 4.5-5 साल हो गए जब इन्होंने होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला था कि ये टेम्पररी है और हम जल्दी इसको स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे। 4.5 साल हो गए, अब आगे पता नहीं कितने साल, बिकॉज ये रिलेटिव टर्म है। आप अकलमंद है खुद भी, अगर जब भी कोई फ्रेमवर्क बोलता है वहां से वो डेफिनेट एक, मतलब हम कोई बेवकूफ लोग नहीं यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बेसिकली डिले टैक्टिक्स है और कुछ नहीं है, ये डिले करना चाहते हैं हर किसी चीज को। यहाँ पे डेमोक्रेसी को डिले करने की कोशिश की जा रही है। अभी ये जो अजय भारती साहब बोल रहे थे कि बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे हालात देखने, अगर बॉर्डर स्टेट है तो आपने आज बॉर्डर टूरिज्म क्यों स्टार्ट किया यहाँ पर? आज तो आप पूरी कंट्री में ये डंडोरा पीट रहे हैं कि आज वहां बॉर्डर टूरिज्म हो रहा है। LOC पे पहले बमबारी चलती थी, अब वहां बमबारी नहीं चलती है। यहाँ G20 समिट हो रहे हैं, यहाँ मिस वर्ल्ड के फंक्शन हो रहे हैं, तो जब ये सब चीजें उस टाइम पे सब नॉर्मल सी आप दिखा रहे होते पूरी कंट्री में कि यहाँ पर हालात ठीक है, यहाँ कुछ हड़ताल कुछ कोई मसला नहीं हो रहा है, तो इलेक्शन के टाइम पे ही आपको क्या परेशानी हो जाती है? ये जो है ये मॉन्स्टर कहाँ से आ जाता है आपका कि यहाँ पे बमबारी होती है, यहाँ पे नॉर्मल सी नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर स्टेट है? तो आप बेवकूफ मत बनाइए लोगों को, बहुत बेवकूफ बन गए। आपको जब भी ये बात करनी होती है आप सिर्फ ऐसे ही हवा में बातें करते रहते हैं, ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं। मतलब आपको डरना चाहिए, आप मतलब भगवान से डरिए, अल्लाह से डरिए, कितना झूठ बोलोगे आप? ठीक है, मोंगा साहब क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि NCA कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलते बोलते डरना चाहिए, ऊपर वाले से डरना चाहिए। कितना लोगों से झूठ बोलेंगे, एक तरफ बॉर्डर स्टेट की बात करते हैं और दूसरी तरफ से बॉर्डर टूरिज्म की शुरुआत होने की बात करते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, और क्या लगता है कि अगर मान लीजिए बहुत जल्द ही इलेक्शन कराने को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला लिया जाए तो कांग्रेस का क्या कुछ इस पर टेक होगा? क्योंकि अभी अगर स्टेटहुड की बात करें तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बात कह दी गई है कि इससे वापस देने में समय लगेगा। मोंगा साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। शायद आपकी हाँ गुलाम साहब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं आपसे यस आ रही है प्रॉब्लम है यहाँ तो ठीक है। जी 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 मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, जो झूठ बोलता है वही कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, जो सच बोलता है उसको कहने की जरूरत नहीं है मैं सच बोलता हूँ, वो सबको समझ आ रही है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ
कि अगर ये सीन इलेक्शन करने वाले हैं उसके लिए बॉर्डर बॉर्डर में उस वक्त जो हमारा हमसाया है वो बॉर्डर पे नहीं है, ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन करा है श्रीनगर और जम्मू में, पंचायत इलेक्शन करा रहे हैं, यूएलजी के करा रहे हैं, तो असेंबली क्यों नहीं करा रहे ये? उसमें क्या, उसमें कहाँ बॉर्डर आ गया, उसमें कहाँ हमसाया आ गया? 1947 से 52 से यहाँ का इलेक्शन हो रहे हैं, 70 साल यहाँ इलेक्शन होते रहे, तो आज कहाँ से आ गई ये बॉर्डर की बात? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो हाईएस्ट कोर्ट हमारे कंट्री का है, वहाँ इन्होंने उनकी मतलब उनकी जो बात थी उनकी बात का उनका सही जवाब नहीं दिया। तो अजय भारती साहब विपक्षी दलों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो टैक्टिक्स आप भारतीय जनता पार्टी अपना रही है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपना रही है। आप ये नहीं सुनना चाहते हैं कि कुछ समय में इलेक्शन होगा, ये चाहते हैं कि आप फाइनल तारीख या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आप बात करें और बताएं कि हमारे इस रीजन में ये हालात हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, तो ये कब होगा? सीधे सीधे ये तमाम विपक्षी दलों की तरफ से ये बातें कही जा रही, जल्दी से आपका कमेंट चाहेंगे अजय भारती साहब। नहीं, अगर ये कहा जाता तो हमने सुप्रीम कोर्ट में ही सरकार की तरफ से कहा होता, बाकी झूठ कौन बोलता है? वो अभी राहुल गांधी ने लेह में जब कहा था तो एक वुमेन बाइकर ने उनका झूठ पकड़कर साफ कर दिया, तो झूठ कौन बोलता है ये सारी दुनिया जानती है कि सिर्फ आप हिट स्टेटमेंट करके और भाग जाएं, ऐसा नहीं है। सरकार जब कर सकती, अगर उनके डेट क्लियर होता, तय होता, और वो मैंने कहा कि वो प्रेरोगेटिव है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन कहेगा वो जब डेट तय कर देंगे, तो आप पहले ही कैसे कह सकते हैं सरकार ये तो हालात को लेकर तो आपको रिपोर्ट देनी होगी ना उन्हें, सच है उसी को कह रही है, उसी को दोहरा रही है, सिचुएशन क्या है ये रिपोर्ट तो आप देंगे ना इलेक्शन कमीशन को अजय भारती साहब। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन मांगेगा, जब इलेक्शन की और सवाल है जो करने थे लेकिन वो मांगेगा तो देंगे। और मुझे ये बताइए जब ये हम साथ ही साथ गुलाम नबी मोंगा साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इमरान नबी डार साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, माफी के साथ अजय भारती साहब आपका वक्त अभी पूरा नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लगातार देखते रहिए प्राइम टाइम और न्यूज 18 जेकेएलएच पर तमाम खबरें। नमस्कार।